ਵਿਖੇ ਬਣਿਆ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅੱਜਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। दरअसल कुछ तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे की 4 बजे तो अपनियां लाइनां बना के खड़े लोकां दे वल्लों अपनी वारी लई टोकन लगन दी उड़ीक कीती जा रही है। जिक्र योग है कि इस मौके जिथे लोकां दे वल्लों अपना दुख दस्या गया उत्थे ही हलका विधायक बुद्ध राम नाल जब गलबात कीती गई तो उन्हां दा भी कहना सी कि सेवा केंद्र लोकां लई दुविधा दा काम कर रहे ने। देखो समझना ये है भी सरकार टोटल लोकां दे जिहड़ियां समस्यावां ने उहदे बिल्कुल इह पक्ष नहीं खड़ी, ना कोई पुछे ना वास्ता, हरेक दफ्तर के बुरा हाल है। सुविधा केंद्र नहीं है, दुविधा केंद्र रहे। तुसीं ऐ देखो भी सवेरे बंदे 2134 सुविधा केंद्र सी पंजाब दे विच, जदों कैप्टन सरकार आ गई एकदम 1600 केंद्र इन्होंने बंद करते। 1600 सिर्फ 534 चलाए ने इन्होंने, तो 534 दे विच देखो मुलाजमान बारे मैं कहना मुलाजमान कसूर नहीं, कसूर सरकार की पॉलिसी का। हुण सवेरे टोकन लेना पैंदा है 3-3 बजे 4-4 बजे उदो अमृत वेले ते लैके दुध दीआं ढोलियां लैके चाह पानी दे ढोलियां लैके लोक इत्थे आउंदे ने। बुढ़िया बेचारियां कुड़ियां जिन्हां ने कोई किसी ने शुरू का सर्टिफिकेट बनाउणा है, किसी ने लोह इनकम का सर्टिफिकेट बनाउणा है, किसी ने मैरिज सर्टिफिकेट बनाउणा है, किसी ने कुछ करना है, यार तुसीं ऐ दसो भी इह सुविधा है, तुसीं मैनुअल कर दो इस नूं। इदों पहलां लोक आउंदे जाके जिहड़ा मौके दा कम हो जांदा, तो सरकार दा इह जिहड़ा रवैया है इह बिल्कुल माड़ी गल है। बिल्कुल सरकार दा मैं विधानसभा च कहा कि भी एत की तुम दसो भी ये की सुविधा कह दी तो सरकार का जोड़ा है पंजाब सरकार का लोगों दिया मुख समस्यावान दूर करने वास्त कोई इरादा नहीं, ना उन्होंने पता भी लोग तंग हो रहे हैं, ना उन्होंने लोगों को पता भी मैं सुधार करदा। तुम जे सुविधा केंद्र चलाने ने सारे चला दो जो काम वंडिया जाए, 15-15 मिनट एक लाभपात्री कापी लगते हैं। जे लसेंस बनाना किसी का गन का असले का तो 15-15-20 मिनट लगते हैं। तुहाड़ा पोर्टल चलता नहीं, कंप्यूटर बंद रहिंदा है, मुलाजम जिहड़े हैगे ने 8-8 हज़ार ते रखे हुए ने उन्हां लोक अड दुखी करते हैं। सो इस करके मैं दोबारा फिर कहना भी यह पंजाब सरकार की सख्त शब्द निखेधी करते हैं भी इस काम को सुविधा केंद्र ही बंद करके मैनुअल काम किया जाए। होर देखो इन्हां दे कई बंदे जिहड़े हैगे ने वो बाहर दलाल ही बैठे ने, दलालों के भी तुम कंट्रोल कौन करूगा, सरकार करूगी दलाल। सो काफ़ी लोग शिकायत आ रही ने, जे असी कह दें फोन कर दें काम हो जाता है, पर सानू फोन करना क्यों पवे, सरकार का अपने आप ही रेगूलर काम होना चाहिए। सो सरकार समस्यावां लोगों दी बिल्कुल ध्यान दे रही, सख्त शब्दों में असी इसकी निखेधी करते। मैं लाभपात्री कार्ड बारे फिर 4-5 दिन हो गए फिरदियां, 3 बजे दे आके बैठे हाँ, अज तक कोई वह नहीं होया कोई टोकन का, तो जो भी कोई सहूलत है सानू भी वोटां घर लैन आ जाते हैं, सानू कोई सहूलत घर बैठे क्यों नहीं दे सकते है। इतने असं लाभपात्री कापी बनाने वास्ते न्यू कराने वास्ते आए थे जी, अज साडा चौथा गेड़ है जी, फीस भरा ली जी, तो कल असी कापी फटन आए थे 15 दिन बाद, तो सानू कहते आधार कार्ड नहीं चढ़े जी, जो सानू रसीद कट के देती फीस भरा ली, बाद च सानू कहते आधार कार्ड नहीं चढ़े। ये सरकार ने सुविधा केंद्र बनाए थे जी, पर आम लोगों वास्ते दुविधा केंद्र बने पे ने जी, सरकार लोगों वास्ते कोई प्रबंध नहीं करती। सवेरे 4 बजे तो लैके इतने लोग आते हैं तो 100 टोकन कटते हैं, यह तो पहले 20-25 बंद काम होंगे गा इतने, तो सरकार तो असी मंग करते हैं कि सुविधा केंद्र के लोगों को सुविधा दी जाए। असी सुबह 4 बजे दे आए हुए हैं जी, सानू दूजा दिन हो चुके है, इतने 120 टोकन वंडे जाते हैं तो जिदे 20-22 टोकन ही कढ़े जाते हैं, बाकी सारे लोग इतने हैरान होकर आपदे आपदे घर 5 बजे तक चले जाते हैं। असी इतने लाभपात्री कापी बनाने वास्ते आए हुए हैं, जेडे कि मजदूरी दिहाड़ी का असी कम कर देंगे, सारे इतने जिन्हें लोग ने सारे यही कम करने वाले इतने आपदे लाभपात्रियां बनाने आए ने, सारे आपदे दिहाड़ियां छड़ के आ रहे हैं, कोई 5 दिन तो आ रहा है लगातार, कोई 7 दिन तो आ रहा है, कोई 10 दिन तो, मैनू भी अज तीजा दिन हो चुके है। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप।